मैं चैतन्य मात्र चैतन्य, मैं चैतन्य संपूर्ण सिद्धियों से संपन्न हूँ। मैं चैतन्य हूँ मात्र चैतन्य, और मैं चैतन्य संपूर्ण सिद्धियों से संयुक्त हूँ, समस्त सिद्धियों से संपन्न।
मैं चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, दर्शन ज्ञान उच्चारित, इन तीनों की शुद्धि में, चाहे दर्शन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे चारित्र हो, इन तीनों की शुद्धि में एकमात्र ध्यान, ध्यान ही एक मुख्य धारा है। दर्शन हो, ये ज्ञान हो, ये चारित्र हो, इन तीनों की सिद्धि सिद्धि में ये ध्यान ही एक माध्यम है। क्योंकि जब तक ये जीव का ध्यान, आत्मोध्यान और मन की चंचलता यहाँ पर की ओर रहेगा, तब तक इस जीव को न दर्शन की सिद्धि हो पाएगी, न ज्ञान की और न चारित्र। पर से ध्यान का हटना, प्रभावों से, पर विकल्पों से ध्यान हटाकर अपने चैतन्य स्वरूप का ध्यान, पदस्थ हो, पिंडस्थ हो, रूपस्थ हो, रूपातीत हो, कोई सब ध्यान, लेकिन धर्म ध्यान, अपने ही स्वभाव का ध्यान, ये ही दर्शन शुद्धि का एकमात्र उपाय। चैतन्यता का भान, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मात्र चैतन्य स्वरूप। ऐसे चैतन्य महाप्रभु का स्वयं के ज्ञान में बोध, स्वयं के अंतरंग में बोध, यही मार्ग है दर्शन शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, चारित्र शुद्धि का। मैं चैतन्य स्वरूप, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, मात्र चैतन्यता ही मेरा रूप है, शुद्ध चैतन्यता ही मेरा एकमात्र रूप है, परम निरपेक्ष, परम साध, एकमात्र शुद्ध चैतन्यता, एकमात्र शुद्ध चैतन्यता, मात्र शुद्ध चैतन्यता।
चैतन्य, मात्र चैतन्य, ज्ञान से इतना ही मेरा सर्वत्र स्वरूप, मेरा रूप है, निराकार अखंड ज्ञान चेतना, निराकार शुद्ध ज्ञान चेतना, पूर्ण शुद्ध ज्ञान चेतना। देखो, इस पुद्गल अचेतन वस्त शरीर से, इसी से जुड़े मन और वचन, इससे जुड़े सारे रिश्ते, सारे संबंध, इस शरीर के साथ ही छूट जाते हैं। कोई सा भी कर्तव्य और कोई सा भी भाव इस शरीर के छूटने के बाद जीवित नहीं रहता। कोई सा भी कर्तव्य इस संसार में, कोई सा भी कर्तव्य, चाहे वह साक्षात जिनेन परमात्मा के प्रति का कहना, कोई सा भी राग भाव, कोई सा भी राग भाव, कोई सा भी, ना राग भाव से, ना किसी से द्वेष भाव से, इस शरीर के छूटते ही यह राग और द्वेष के भाव स्वयं ही छूट जाते। इस शरीर से जुड़े सारे संयोग स्वतः ही जल जाते। दवानल भयंकर अग्नि का प्रचंड जोर चल रहा हो, एक तिनका भी शेष नहीं रहता, सब जल के भस्म हो जाता है। ऐसे ही काल का परिवर्तन चलता है, तो ये सारी कर्तृत्व की मानता जो तुमने दूसरों के प्रति बना रखी, वह सारी की सारी धारणाएं, सारे के सारे कर्तव्य भाव स्वतः ही नष्ट हो जाते, स्वतः ही हिला जाते। ये सारे भाव पुद्गल से पुद्गल तक है, ये सारे भाव पुद्गल से पुद्गल तक है। इस पुद्गल का रूप बदलते ही, इस शरीर से छूटते ही उस पुद्गल रूप से वो भाव अपने आप छूट जाते, फिर नए पुद्गल के साथ संबंध होने से नवीन भाव का जन्म होता है, नवीन भाव उत्पन्न होते हैं, फिर ये जीव उनका ही कर्ता, उनका ही भोक्ता स्वयं को मान लेता है। यही संसार चतुर्गति परिभ्रमण का एकमात्र कारण, किसी का भी कर्तव्य भाव, किसी के प्रति का भी कर्तव्य भाव, एकमात्र इस संसार परिभ्रमण का कारण है, एकमात्र संसार परिभ्रमण का कारण। मैं इन समस्त प्रपंच रूप भाव से परे हूँ, मैं ज्ञान रूप हूँ, समस्त भाव से परे,
चैतन्य स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, चैतन्य स्वभाव। देखो, पूर्व के जिस शरीर को तुमने धारण किया था, उसके संयोगों के भाव इस समय स्वतः ही भुला गए, स्वयं ही नहीं है। क्यों, कहाँ गया वो कर्तव्य का बोध, कहाँ गई वो इतनी सारी जिम्मेदारियां, कहाँ गया इतना भार, सब भुला गया। काल के साथ सब परिवर्तित, हाँ बदल गया, लेकिन मैं इन भाव पे मोहित, इनका कर्ता, इनका भोक्ता स्वयं को मानकर अनादि काल से जन्म और मरण की संस्कृति को बढ़ाने में ही लगा हूँ। अनादि काल से शुभ और अशुभ का कर्ता ही स्वयं को मान रहा हूं। इस संसार का कर्ता और भोक्ता, इस संसार के संसारियों के प्रति का कर्तव्य, ये अपना मान के इस संसार की ही अनंत दुख में यात्रा को आत्रोत ध्यान में तन्मय होके निरंतरता से चला रहा, निरंतरता से आत्रोत ध्यान से अपनी ही आत्मा का घात अनादिकाल से यह जीत कर रहा, अनादिकाल से आत्रोत ध्यान से ही अपनी आत्मा का घात यह जीत निरंतर कर रहा है। अभी इसी पल यदि यह इस पुद्गल शरीर को ही जलता हुआ जान ले, इस पुद्गल शरीर को ही अग्नि दे दे, इसको एक मात मिट्टी का पिंड जान ले, एक मात मिट्टी का पिंड, तो इस शरीर से जुड़े जितने भी कर्तव्य परिणाम हैं, मन और वचन की जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं, वह स्वतः ही विलय को प्राप्त हो जाएंगे। वह अभिव्यक्तियां स्वतः ही विलय को प्राप्त हो जाएंगी। पता ही नष्ट हो जाए, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा बोध जागृत होगा। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, पर से भिन्न चैतन्य लक्षणमय शुद्ध हूँ, शरीर से भिन्न, शरीर के भाव से भिन्न, और इस शरीर की अभिव्यक्ति उन वचनों से भिन्न, मैं मात्र चैतन्य हूँ, चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।
चैतन्य इस पुद्गल शरीर से मोह छूटते ही, इस पुद्गल शरीर से स्वयं को भिन्न जानते ही, स्वयं ही इस शरीर संबंधित सारे कर्तव्यों का अपने आप लय हो जाता है। इस शरीर संबंधित सारे संबंधों का स्वयं ही विलय हो जाता है। स्वतः ही आत्मरोध ध्यान की प्रवृत्ति छूटती है और यह आत्मा स्वयं को चैतन्य स्वरूप ज्ञान आकार रूप में जानता है। स्वयं को चैतन्य रूप में जाता है, ऐसा ज्ञान का स्वयं को चैतन्य रूप जानना ही ध्यान है। शुद्ध चैतन्य रूप, शुद्ध चैतन्य रूप, शुद्ध आत्मा, और यह ध्यान ही सम्यक दर्शन की शुद्धि का कारण, शुद्ध सम्यक दर्शन, शुद्ध आत्मा, शुद्ध ध्यान, शुद्ध सम्यक दर्शनम। अपने ऐसे शुद्ध आत्मा का शुद्ध ध्यान ही एकमात्र सम्यक का कारण है, शुद्ध सम्यक। शुद्ध सम्यक का कारण मैं शुद्ध चैतन्यमयी परम ब्रह्म परमात्मा मात्र हूँ, मात्र परम शक्ति स्वरूप चैतन्यमयी पिंड मैं अखंड ज्ञान स्वभाव, अखंड ज्ञान स्वभाव, अखंड ज्ञान स्वभाव, सर्वत्र पुद्गल वर्णाओं से
भिन्न स्वयं अस्कंद रूप स्वयं अनंत शुद्ध परेशी परम तत् परमात्मा परिपूर्ण शुद्ध तत् शुद्धात्मा ही मात्र मैं हूँ। परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य मात्र स्वरूप ही मैं हूँ। शुद्ध धर्म ध्यान धम्मम का ध्यान ज्ञान से विज्ञानमय मैं कमल स्वभाव ज्ञान ही मेरा रूप है। ज्ञान ही मेरा स्वरूप है। इसे ज्योति स्वरूप परमात्मा को स्वयं में प्रकाशित जानते हुए अपने को स्वयं परम ज्योतिर्मय परम प्रकाश में उत्पन्न ज्ञान रूप मैं ब्रह्म स्वरूप चैतन्य लक्षणमय मैं ब्रह्म स्वरूप चैतन्य लक्षण रूप वाला हूँ। मैं ज्ञान स्वयं कमल स्वभाव से संपन्न हूँ। स्वयं कमल वत् शुद्ध स्वभाव से युक्त देखो यह परम ज्योति परमात्मा ही तो है। यह परम शुद्ध ज्ञान यही तो परम ज्योति परमात्मा है। परम ज्योतिर्मय शुद्ध चैतन्य स्वरूप अपने हृदय में ऐसी परम ज्योति के प्रकाश को ही देखो। परम ज्योति के शुद्ध प्रकाश को स्वयं में ही उत्पन्न ऐसे परम ज्योतिर्मय शुद्ध प्रकाश कमल स्वरूप परमात्मा
है कमल सहा, ऐसा ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ज्ञान रूप है। ऊ यायक स्वभाव, यायक ही मेरा स्वभाव है, ज्ञान ही मेरा स्वभाव है। पदस्थ ध्यान में पद और अर्थ से अपने प्रयोजन भूत चैतन्य स्वभाव में उतर जाना। ऐसे ही हृदय में उत्पन्न कमल में ज्योतिर्मय जिनेन्द्र भगवान के वचनों को स्वयं अनुभव करना। हृदय में देखो कमल स्वभाव ज्ञान स्वभाव, ज्ञान मात्र पिंड सर्वत्र भाव से भिन्न, सर्वत्र पुद्गल से भिन्न, मैं ज्योति स्वरूप परमात्मा, ज्योति स्वरूप ज्ञान, ज्योति स्वरूप मैं परमात्मा, मैं परम शक्ति, ज्ञान ज्योतिर्मयी शुद्ध तत्व शुद्धात्मा। हृदय में देखो शुद्धम चा सर शुद्धम, शुद्धम चा सर्व शुद्धम, मैं शुद्धता से परिपूर्ण मात्र शुद्ध चैतन्य रूप ही हूँ। मेरे संपूर्ण आत्म प्रदेशों में मात्र शुद्धता ही शुद्धता है, मात्र शुद्धता ही शुद्धता है। संपूर्ण आत्म प्रदेशों से मैं इसी पल इसी समय शुद्ध हूँ। चाहूँ और मात्र शुद्धता का ही प्रकाश है, शुद्धता के अलावा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। मैं शुद्ध करूँ सर्वत्र शुद्ध पुद्गल स्वयं शुद्ध परमाणु, मैं स्वयं शुद्ध ज्ञान चेतना। चाहूँ और मात्र शुद्धता ही शुद्धता है, शुद्धम चा सर्वशुद्धम। देखो अपने हृदय पे ध्यान ज्योतिर्मय प्रकाश के रूप में, शुद्धम चा सर्वशुद्धम, शुद्धम चा सर्वशुद्धम, शुद्धम चा सर्वशुद्धम। चारों ओर शुद्ध ही शुद्ध, मैं शुद्ध, चारों ओर शुद्ध ही शुद्ध, सब शुद्ध है, कुछ भी अशुद्ध नहीं, सब शुद्ध। सर्वन्यम हृदय पे देखो, सर्वन्यम शाश्वतम पदम, यही तो मेरा सर्वज्ञ शाश्वत धुप स्वभाव है, यह शुद्ध चैतन्यता ही तो मेरा सर्वत्र विस्तार है, विशाल अनंत गंभीर, चारों ओर विस्तृत। मैं शुद्ध स्वरूप, शुद्धता से शुद्ध,
सर्वात्र और सर्वव्यापी हूँ। सर्वन्याम सर्व सर्व और मेरा ही प्रकाश है। शाश्वत मेरा ही निराकाश चैतन्य स्वरूप है। ऐसा सर्वन्याम शाश्वतम पदाम मैं सर्वज्ञ स्वभाव से अपने ही शाश्वत पद में स्वयं विद्यमान। इसी क्षण अपने ही सिद्ध पद में स्वयं स्थित हूँ। इसी क्षण अपने अनंत स्वभाव में स्वयं स्थित हूँ। ये निराकार शुद्ध चेतना ही मेरा रूप है। मैं अपने सर्वत्र शाश्वत शुद्ध पद में ही प्रतिष्ठित हूँ। विंद स्थान ही मेरा विश्राम का स्थल है। अनंत ज्ञानमयी मेरी चेतना, अनंत ज्ञानमयी मेरा रूप। सर्वन्यम शाश्वतम पदम शुद्ध आत्मा शुद्ध ध्यानस्थ। ऐसे अपने शाश्वत सिद्ध स्वरूप को ध्याना, ऐसे अपने परम पद को देखना, ऐसे अपने अमिट स्वभाव में रत हो जाना, ऐसे शाश्वत चैतन्य स्वभाव का ध्यान ही शुद्ध सम्यक दर्शन एकमात्र शुद्ध दर्शन का कारण है। एकमात्र अपने ही इष्ट परम पद का ध्यान धारणा ही अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव का ध्यान धारण करना ही एकमात्र शुद्धता को प्रकट करने का उपाय है। एकमात्र एकमात्र मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही हूँ। मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही हूँ। मैं शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा ही हूँ।
सर्वत्र अपने ही शुद्ध स्वभाव के होने का भान, सर्वत्र अपने शुद्ध चेतना के होने का बोध, सर्वत्र अपने शुद्ध चेतना के होने का ध्यान, ये ही एकमात्र शुद्ध स्वभाव में अवगाहन करना है। शुद्ध चैतन्य स्वभाव में अवगाहन करना, मैं अनंत शुद्ध परेशी शुद्ध चैतन्यमयी परम शक्ति हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूपी अनंत चैतन्यमयी शक्ति हूँ। अनंत चैतन्यमय, अनंत अनंत शुद्ध चैतन्यमय शक्ति मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। सर्वत्र व्याप्त, सर्व रूपों में व्याप्त, अरूपी निराकार चैतन्य रूप, निराकार चैतन्य रूप, निराकार चैतन्य रूप, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध प्रदेशी स्वयं शुद्ध स्वरूप मात्र शुद्धात्मा हूँ, मात्र शुद्धात्मा। मेरे ऐसे अखंड चैतन्य परम प्रकाश से ही यह संपूर्ण विश्व प्रकाशमय है। मेरे ऐसे अदिति अद्भुत ज्ञान चैतन्य से ही ये पूरा विश्व प्रकाशमय है। अद्भुत अदिति पूर्ण प्रकाश, मैं ऐसा सर्वत्र व्याप्त, मैं ऐसा सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी अपने चैतन्य स्वभाव में ही स्थित आनंदमय हूँ। मैं ऐसा सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी, सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी अपने पूर्ण आनंद स्वभाव में ही स्थित शुद्ध चैतन्यता मात्र हूँ। मैं ऐसे सर्वत्र शुद्ध स्वभाव में होते हुए अभी भी पूर्ण आनंद में ही हूँ, पूर्ण आनंद में। ऐसे मेरे शुद्ध स्वभाव को मेरा नमस्कार है, ऐसे चैतन्य स्वभाव को मेरा नमस्कार है, ऐसे परम विकराल शुद्ध स्वरूप को मेरा नमस्कार है। Mm.
यदि इस ज्ञान स्वभाव को तुम देखना चाहते हैं, तभी अपने विंद स्थान में इस विशाल और अखंड ज्ञान को स्वयं सर्वत्र व्याप्त जान सकते हैं। अपने आप को, अपनी संपूर्ण चेतना को विंद स्थान में केंद्रित करते हुए अपने ही विंद पद गुप्त सूक्ष्म स्वभाव में अनंत गहराई उतरने के लिए, अनंत गहरे विंद स्वभाव में गुप्त ज्ञान में अनंत गहरे उतरने के लिए, देखो विंद स्थान में एक ज्योति है जो अनंत प्रकाश से प्रस्फुटित, अनंत और अनंत प्रकाश को ही प्रस्फुटित कर रही है, अनंत अनंत प्रकाश को ही उजागर कर रही है। परम ज्योति, शुद्ध ज्योति, अपने ही अतीन्द्रिय आनंदमयी परम प्रकाश से प्रकाशित अपनी ही अद्भुत शक्ति को देखो, एकाग्र करो विंद स्थान में स्वयं का अनुभव। यही आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र पे इस ज्योति को प्रस्फुटित देख लेना ही अपने संपूर्ण संचालन को ध्यान से जोड़ देना है। सारा संचालन ज्ञानमय शक्ति के हाथ में समर्पित कर देना है। पूरा मति ज्ञान इस आज्ञा चक्र से ही उत्पन्न है। पूरा सुत का विस्तार इस आज्ञा चक्र से ही विस्तृत है। यदि इस आज्ञा चक्र पे यदि ऐसे शुद्ध ज्ञान के प्रकाश को जाना, तो सहज मति ज्ञान स्वतः ही निर्मल हो जाएगा। मति ज्ञान की अनंत निर्मलता और शुद्ध ज्ञान में अनंत शुद्ध का विस्तार, ये सब ध्यान के ही अंग हैं। शुद्ध ध्यान स्वयं चैतन्य शुद्ध स्वरूप मैं अनंत चैतन्य शक्ति हूँ। परम शुद्ध चैतन्य रूप, परम शुद्ध चैतन्य रूप।
नमः ऐसे असीमित ज्ञान स्वभाव को मेरा नमस्कार है। ऐसे अनंत चैतन्य शुद्ध ज्ञान स्वभाव को मेरा नमस्कार है। ऐसे परम शुद्ध ज्ञान से ओतप्रोत मैं शुद्ध चैतन्यमय तत्व हूँ। ऐसे परम शुद्ध ज्ञान से ओतप्रोत मैं शुद्ध तत्व मात्र हूँ। शुद्ध तत्व मात्र स्वयं शुद्ध तत्व मात्र स्वयं शुद्ध तत्व मात्र ॐ नमः। ऐसे शुद्ध चैतन्य को नमस्कार है। ऐसे शुद्ध चैतन्य को नमस्कार है। भुवन सिद्ध नमो नमः। मुझे नमस्कार। मुझ अनंत चैतन्य को नमस्कार और मेरे अंतरंग उत्पन्न अनंत सिद्ध स्वरूप अनंत सिद्धियों को मेरा नमस्कार। देखो ना, आज्ञा चक्र में जो स्वयं अनंत शुद्ध प्रकाश उत्पन्न है, स्वयं ही उत्पन्न है अनंत चैतन्यता, असीमित अतः ज्ञान, असीमित अतः ज्ञान का मेरा ही ज्ञान रूप ऐसा स्वयं में उत्पन्न है, स्वयं स्वभाव में उत्पन्न है, स्वयं शुद्ध स्वभाव में उत्पन्न है। मैं उत्पन्न जयवंत स्वरूप, मैं शुद्ध आत्मा, शुद्ध सिद्ध स्वभाव से युक्त उत्पन्न जयवंत स्वरूप, मैं शुद्ध आत्मा अपने ही बिंदु स्थान में स्थित उत्पन्न जयवंत स्वरूप हूँ। मैं शुद्ध आत्मा अपने ही विंद स्थान में स्थित शुद्ध जयवंत स्वरूप हूँ। मैं शुद्ध आत्मा अपने ही विंद स्थान में स्थित शुद्ध जयवंत स्वरूप हूँ। मैं शुद्ध आत्मा अपने ही विंद स्थान में स्थित
चैतन्य स्वरूप हूँ, इसे अपने ही शुद्ध चैतन्य स्वभाव को, अपने ही अतः अनंत ज्ञान स्वरूप को, अपने ही बिंद स्थान में अनुभव करते हुए, अपने ही आज्ञा चक्र से अपने मति शुद्ध शुद्ध मति और शुद्ध श्रुत को विस्तृत होते हुए विशाल अतः रूप में स्वयं में जानना, स्वयं में पहचानना, विस्तृत शुद्ध चेतना, अनंत विस्तृत शुद्ध ज्ञान, अनंत विस्तृत शुद्ध चैतन्य स्वरूप, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, मैं चैतन्य स्वभाव मात्र हूँ, मैं चैतन्य स्वभाव मात्र हूँ, मैं चैतन्य स्वभाव मात्र हूँ, मात्र चैतन्य स्वभाव, मात्र चैतन्य स्वभाव, शुद्ध चैतन्य स्वभाव। इस मंत्र के मंत्रणा में मन को सहज मुग्ध कर देना, जिससे संपूर्ण चेतना का एकाग्र, संपूर्ण चेतना एकाग्र होके अपने ही स्वभाव में स्वयं बिंद स्थान में स्थित हो जाए। इस मंत्र जप में मंत्र को मंत्रित मन में ही मंत्रणा कर देना, मन को ही तैयार कर लेना, मन को ही इस मंत्र में मग्न कर देना, जिससे संपूर्ण चेतना एक बिंदु पे केंद्रित हो जाए, एक बिंदु पे आकर रुक जाए और यह बिंद स्थान में उत्पन्न ज्योति प्रकाश स्वयं अनंत असह रूप में सर्वात शुद्धता के समान, सर्वात शुद्धता के रूप में सर्वान्यम शाश्वतम पदम, सर्व ओर विस्तृत होते हुए भी अपने ही शाश्वत पद में स्थित ज्ञान में आ जाए, स्वयं ज्ञान में आ जाए, स्वयं शुद्धता का ज्ञान, शुद्ध रूप स्वयं में उत्पन्न हो। इस मंत्र की मंत्रणा में मन को भूल कर एकमात्र ज्ञान चैतन्य स्वरूप मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मंत्र की मंत्रणा में मन की समस्त धारणाओं का अंत कर मैं चैतन्य महाविराट शुद्ध तत् शुद्धात्मा हूँ। मन की समस्त मंत्राओं को, विचारों को भूल कर मंत्र में मंत्रित मैं मात अनंत चैतन्य शक्ति स्वरूप शुद्ध आत्मा चैतन्य तत् मात्र, शुद्ध आत्मा चैतन्य तत् मात्र, मैं शुद्ध आत्मा चैतन्य तत् मात्र हूँ, मैं शुद्ध आत्मा चैतन्य तत् मात्र हूँ। नमः ॐ नमः वञ्चिद्दि नमो नमः।
ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः, 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 ऐसे अपने शाश्वत सिद्ध स्वरूप का वेदन अनुभव स्वयं में करते हुए, ऐसे अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का विलास स्वयं में अनुभव करते हुए, मैं तो आनंद घन हूँ, मैं तो चैतन्य घन हूँ, मैं तो अनंत रसवंता चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसे चैतन्य महास्वभाव शुद्ध स्वभाव का स्वयं में ही अनुभव करते हुए, स्वयं चैतन्य स्वभाव का स्वयं में ही अनुभवन करते हुए, स्वयं के ही स्वरूप को स्वयं का ही नमस्कार है, मेरे ही सिद्ध स्वभाव को मेरा ही नमस्कार है, सिद्ध स्वभाव को ही मेरा नमस्कार है, शुद्ध स्वरूप को ही मेरा नमस्कार है, अनंत चैतन्यमय महाविलास में विलसित मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप मात्र हूँ।
शुद्ध चैतन्य स्वरूप मात्र मैं हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूप मात्र मैं हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। ओम नमः सिद्धम्। सिद्धम्। नमः सिद्धम्। सिद्ध स्वभाव ही मेरा रूप है। मात सिद्ध स्वभाव सिद्धम शाश्वतम पदम। सिद्ध स्वरूप ही मेरा शाश्वत पद है। मैं सिद्ध स्वरूप स्वयं तत् हूँ। तत् शुद्ध तत् शुद्धात्मा। स्वयं 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 मुक्तिगामिनो। स्वयं मुक्ति में विलास करता हुआ अनंत चतुष्टय का पिंड। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मात्र शुद्ध आत्मा। मुझ में ही थी अर्थ संपूर्णता से परिपूर्ण है। मैं ही थी अर्थ का स्वामी हूँ। ती अर्थ आयरन ती थंकर। यही मेरा ती अर्थ स्वरूप ती थंकर पद प्रकट करने वाला है। मैं अपने ही ती अर्थ स्वभाव में तीर्थकार पद में ओंकार मई यमकार मई प्रियमकार मई अपनी ही अनंत शक्तियों से स्थित हूँ। मैं अपने ही तीर्थकार पद से संयुक्त ओंकारमयी हियंकारमयी श्रियंकारमयी शुद्ध स्वभाव से संयुक्त अरहंत सर्वज्ञ प्रभु अपने ही अनंत सिद्ध स्वभाव सम स्वयं सिद्धियों से संपन्न शाश्वत पद जयवंत स्वभाव हूँ। जयवंत स्वभाव हूँ। जयवंत स्वभाव हूँ। ह्रियं श्रियं अरिहंत सर्वण्यं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं। ह्रियं श्रियं अरिहंत सर्वण्यं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं। ह्रियं श्रियं अरिहंत सर्वण्यं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं
जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्नाम जयम ओवम हियम श्रियम अरिहंति शरवण्यम सिद्धि सिद्धम दुवम जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्नाम जयम ओवम हियम श्रियम अरिहंति शरवण्यम सिद्धि सिद्धम दुवम जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्नाम जयम भुवं हियं श्रियं अरिहंति सर्वण्यं सिद्धि सिद्धं नवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं भुवं हियं श्रियं अरिहंति सर्वण्यं सिद्धि सिद्धं नवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं भुवं हियं श्रियं अरिहंति शरवण्यं सिद्धि सिद्धं दुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं भुवं हियं श्रियं अरिहंति शरवण्यं सिद्धि सिद्धं दुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं जय हो जय हो जय हो। मेरे चैतन्य महाप्रभु शुद्ध स्वभाव की जय हो जय हो जय हो। ऐसा जयवंत तत्व जिससे इस सृष्टि पर जीवन की रचना है, वह जयवंत जीवित तत्व शुद्ध स्वरूप चैतन्यमय मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मात्र शुद्ध आत्मा। इस स्वयं के अनुभव में लीन जिनेन्द्र परमात्मा भी ऐसे शुद्ध स्वभाव को ही नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे स्वयं के अनुभव में नंत चतुष्टय में लीन साक्षात जिनेन्द्र प्रभु भी ऐसे चैतन्य महाप्रभु अतीन्द्रिय आनंद के विलास परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव को ही नमस्कार कर रहे हैं। हमारे हृदय में ऐसा स्वयं का शुद्ध स्वभाव अपना ही अतः ज्ञान सरोवर जो ज्ञान से ही भरा हुआ है, जो ज्ञान मात्र ही सत्ता है, ऐसे ज्ञान में स्वयं ज्ञान का ही वेदन है। ऐसे ज्ञान में स्वयं ज्ञान का ही अनुभव है। ऐसे ज्ञान में स्वयं ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान के अलावा और कुछ शेष नहीं। ऐसे ज्ञान से ज्ञान का अभिवादन ही जिन शुद्ध का उत्पन्न होना है, जिन शुद्ध का प्रकट होना है, ज्ञान में ज्ञान की रमणता, ज्ञान में ज्ञान का पौरुष, ज्ञान में ज्ञान की ही लीनता, चैतन्य महाविलास, यही जिन शुद्ध का उद्गम स्थान है, यही विंशत की उत्पत्ति का स्थान है। ओंकारमयी अखंड ज्ञान चेतना, ओंकारमयी अखंड ज्ञान दिव्य चैतन्य ज्योति, अनंत शुद्ध ज्ञानमयी मेरा प्रकाश, मैं ही ज्ञान सरोवर से शुद्ध ज्ञानमयी परमात्मा हूँ।
हे शुद्ध स्वरूप ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्व प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिनेत्वं सम्यक् चरणं चेतन्निरूपम् शुद्ध स्वरूप स्वयं ज्ञान प्रकाश मई शक्ति चैतन्य रूप परमात्मा है। स्वयं दर्शन ज्ञान चारित्र मई है। ऐसा ध्रुवं का निष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम् ज्ञानमय शाश्वत ऊर्ध्वगमन मेरा ही चैतन्य स्वभाव है। ऐसा ज्ञान रूप ऊर्ध्वगमन करने वाला मैं ही सिद्ध स्वरूप अपने ही विंद स्थान में हूँ, ऐसा ही मेरा अनुभव है, ऐसा ही मेरा वेदन है, ऐसा ही मेरा प्रणाम है। मैं ज्ञान अनुभव में ही अपने स्वभाव में लीन हूँ। तत्त्वम् च परम तत्त्वम् परमप्पा परम भावदार्थिये परम जिनम परमेष्टि नमाम्यम परम देवदेवस्य। ऐसे ज्ञान भाव में ही परम शुद्ध स्वभाव के दर्शन होते हैं। अपना परम देह स्व अनुभव में उत्पन्न होता है। स्वयं दर्शनमय दर्शन स्वरूप का दर्शन प्रकट है। मेरा ही दर्शन परम स्वभाव का दर्शन स्वयं ज्ञान में स्वयं में उत्पन्न देवी देवम नमस्कृतम लोकालोक प्रकाशिकम त्रैलोक्यम भुवनार्थम ज्योति ओंकारम च विन्दते। संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता हुआ भी एकमात्र ज्योति स्वरूप ओंकारम च विन्दते अपने ही स्वानुभव श्रद्धात्म अनुभूति अखंड ज्ञान स्वभाव में ही लीन मैं देव अरहंत के समान अपने ही चतुष्टय पद में विद्यमान मैं परम देव हूँ। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिन आत्मनम स्वयं रूपम समम शुद्धम विन्दे स्थाने नमस्कृतम। ऐसा परम आनंदमय जिसका रूप है वो मैं चेतना स्वयं चिदानंद स्वरूप हूँ। सिद्ध आनंद में विलास कर रहा हूँ यही मेरा विंद स्वरूप एकमात्र ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव मात्र मैं चैतन्य हूँ। ज्ञान मात्र चेतना शुद्ध ज्ञान मात्र चेतना अपानम शुद्ध अपनम परमप्पा विमल निमलाम सर्वम सिद्ध स्वरूपम पिक्षति नमाम्यम देवदेवस्य। एक निर्मल सिद्ध स्वभाव को जान लेना ही मात परम देव पद को उपलब्ध कर लेना है।
ऐसा जाननहार शुद्ध ज्ञान स्वरूपी मैं सिद्ध स्वभाव मात्र हूँ। मात्र सिद्ध स्वभाव, मात्र सिद्ध स्वभाव, एकमात्र सिद्ध स्वभाव, सिद्ध स्वभाव। नमस्कृतं महावीरं भवोदय विनाशनं प्रभंगी दलं प्रोक्तं च आश्रव निरोधकारणं। संसार में आश्रव और निरोध के कारणों का निषेध करता हुआ, मन इंद्रियों की समास वृत्तियों से परे, भाव विभाव के समास प्रपंचों से पार, मैं मात्र ज्ञान रूप, मात्र ज्ञान, शुद्ध चैतन्यमय एकमात्र ज्ञान ही मेरा रूप, मात्र ज्ञान। उव उवन्य उवन्य विंद विंद भवनम, ये ज्ञान उत्पन्न हुआ अपने ही विंद स्वभाव में, अपने ही भवन में स्वयं गुप्त है। उव उवन्य उवन्य विंद विंद भवनम विज्ञानम विज्ञानमय विनियम स्वयं, ऐसे ज्ञान स्वभाव की विनय करो, ऐसे विज्ञान घन स्वभाव की विनय करो, ऐसे ज्ञान घन स्वभाव की सेवा में सत रहो, ऐसा मैं नित्य ज्ञान स्वरूप हूँ। उवम उवन्य उवन्य विंद विंद भवनम विज्ञानम विनियम स्वयं उत्पन्नम नन्तानन्त स्वयं च सूर्यम शुद्धम च शुद्धात्मनम उवन्य उवन्य स्वभाव मनस ममलम मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम लोकालोक स्वयं सुरम च सूर्यम सुन्नम सहावम सुरम। ऐसा स्वयं शुद्ध स्वरूप उत्पन्न चेतना मैं ज्ञान मूरत अपने ही शून्य बिंद स्वभाव में, अपने शुद्ध स्वभाव में स्वयं स्थित हूँ। यही मेरा वास्तविक शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, मात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञान रूप परमात्मा, अखंड चैतन्य स्वभाव परमात्मा। तत्त्वं च नन्दयानन्दिमौ चेयनिनन्दिशहौ परम तत्त्व पद विन्दिपौ नम्यो सिद्ध स्वभाव गुरुवे शिवपतिरुहि गुपति ज्ञान सहकार कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो तव जिन वर हम अर्थ ति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान पर लोय। शुद्ध ज्ञान ही देव है, शुद्ध ज्ञान ही गुरु है, तारण तरण है, शुद्ध ज्ञान ही चेतन लक्षणमय धर्म है। ऐसे परम शुद्ध ज्ञान को ही मेरा नमस्कार, ऐसे परम शुद्ध ज्ञान से ही मेरा सर्वत्र व्याप एक रूप है, एक रूप मात अखंड ज्ञान चैतन्य स्वभाव। मैं सिद्ध स्वभाव ही मात्र हूँ।
मात अपनी अनंत सिद्धियों में विलास करता हुआ परिपूर्ण तत्व, सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, देखे न कही सुनी न कही, हित उपजे न कही, भूले तो ना बोले, किसी को कुछ ना जानने वाला, किसी से कुछ ना सुनने वाला और किसी को कुछ ना मानने वाला, स्वयं में ही सिद्ध सिद्ध है, जो अपने ही स्वभाव से सिद्ध है, वह मेरा ही ब्रह्म स्वभाव मात्र है, मेरा ही ब्रह्म स्वरूप मात्र है, मेरी ही दिव्य चेतना मात्र है, जो स्वयं में ही गुप्त सिद्धि संपत्ताम विशेष शून्य स्वभाव, स्वयं में ही शून्य रूप अनंत सिद्धियों से संपन्न है, स्वयं में ही गुप्त अपनी ही अनंत सिद्धियों से संयुक्त मैं शून्य स्वरूप चैतन्य घनपिंड अनंत चतुष्टय से संपन्न पर भाव से निर्लिप्त निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप मात्र हूँ, ज्ञान स्वभाव मात्र हुवं हियं श्रियं अरिहन्ति शरवण्यं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं हुवं हियं श्रियं अरिहन्त सर्वन्यं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं हुवं हियं श्रियं अरिहन्त सर्वन्यं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ऐसा हुवं हियं श्रियं कार ऊर्ध स्वभाव शाश्वत अरिहंत पद में स्थित मेरा ही सिद्ध स्वरूप है, जयवंत कार अनंत जय जयकार मई जयवंत स्वभाव, स्वयं ज्ञानमयी जयवंत स्वभाव, स्वयं ज्ञानमयी जयवंत स्वरूप, मैं मात्र मात्र शुद्ध चैतन्य शुद्ध चैतन्य, ऐसे ही चैतन्य का ध्यान धारण करने का उपदेश तारण तरण जिन ने दिया है, ऐसा शुद्ध आशीर्वाद ही अनुभव से जयवंत हो तो जिन श्रेणी मार्ग में आरोहण हो, अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामिनो, ऐसे स्वभाव की अनमोल नहीं जिन श्रेणी मार्ग ही एकमात्र मुक्ति का कारण है, एकमात्र मुक्ति का कारण ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, वंदे
वंदे शिरुतारणं वंदे स्वभाव नमः शुद्ध ज्ञान रूपाय नमः।